पंजाब हुकूमत का कोर्ट फीसों में कमी पर इत्तेफाक, कमेटी का अहम इजलास। हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 500 से कम होकर 10 रुपए होगी। फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामे पर कोर्ट फीस खत्म। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपए कोर्ट फीस पर इत्तेफाक। रिकॉर्ड तलबी की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपए होगी। वजीर कानून आजम नजीर ताड़, मलिक सुहेब अहमद भरत की जेर सदारत इजलास में फैसला। कोर्ट फीस सेक्टर में इजाफे का मामला, वकला और हुकूमत के दरमियान मुजाकरात कामयाब। हुकूमत ने मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिफरी रोड कोहियां जामपुर के शहरियों के लिए अजाब। सैलाबी वेला तुर्कश मॉडल विलेज में दाखिल। मुतासीन की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल जारी। पतपली बस्ती में पानी दाखिल, मकान गिर गए, फसलें तबाह। सारा मसला है, सारा रात 12 बजे सारे कलोनी पानी आ गए, सारे आटा दाने लोड़ गए ना। अब तक ही टाइम तक कहीं ना रोटी दी देना कैसे, असं भूखे बैठो सारे, यो सारा पानी कटवो असं घर वाल बनूं जाके। असं बहुत परेशान हो, सिर तोका सारे घर दे विच पानी आ गए, कलोनी दे विच आटा दाने जो बिस्तरे सिरहाची कोस गए। असं हुकूमत कने वजीर आला पंजाब कने अपील करन साडे औरतां बाल घर वाल वंजे पानी दा कुछ इंतजाम कीता वंजे सारे मकान सही थे असं घर वास्ते ताके वाल वंजे अपील करन हुकूमत। कोट अद्दू हेड टोंसा बैराज पर पानी की सतह बुलंद। पानी की आमद 3,94,000, अखराज 3,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोट अद्दू डीजी खान और खिजी कैनाल बंद, कटाव के बायस फसलें तबाह, घर भी दरियाबुट हो गए। बारिशों से जनूबी पंजाब में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। दरियाचा अनाव में तुफियानी, मुल्तान डिवीजन में मोजा मसी, पिपली, सादात, नवापुर मुतासिर होने का खदशा। बस्सी घंटाघर, बस्सी गंडियाल, मोहम्मदपुर घोटा भी खतरे से लाहक। खैरपुर टामेवाली के मकाम पर तुगयानी का खदशा। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। भारत की तरफ से 19,659 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। पानी हेड साइफन पर पहुंचना शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज बहावलपुर पहुंच गई। मरीम नवाज तहसील जामपुर और राजनपुर का दौरा करेंगी। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासा इलाकों में जाएंगी। रुझान में नहरी पानी, घरों में दाखिल। मीरापुर टूल प्लाजे के करीब बस्ती अब्दुल रजाक जेरियाब, इलाका मकीन सड़क पर आ गए, घरेलू सामान भी खराब। इंतजामिया ने मदद की अपील कर दी। मुल्तान और रहीमिया खान में बादलों के डेरे। आंदा 24 घंटे में मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। हवा चलने से रहीमिया खान का मौसम खुशगवार। बारिश के बाद बहावलपुर का मौसम भी सुहाना। तबादलों के मंतजर असाफा की खुशी हवा हो गई। पाबंदी खत्म हुई तो सीनियोरिटी नंबर की मुश्किल खड़ी हो गई। अप्लाई करने के लिए सख्त शराइत से असाफा परेशान। कम से कम अपने स्कूल में 3 साल गुजारना भी लाजमी करार। पंजाब पुलिस में तरक्कियों के लिए अहम फैसला। 3,500 खाली आसामियों पर तरक्की देने के लिए काम तेज करने का हुक्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं गुज़िश्ता 1.5 साल में 22,000 से ज्यादा तरक्कियां दी गई। बहावलपुर के वासियों के लिए बुरी खबर। नवाबों का शहर बड़े मंसूबों से महरूम। एक्सप्रेस वे मंसूबा खत्म। बहावलपुर सदन बाईपास को भी दो रोया नहीं किया जाएगा। चांदी चौक से अहमदपुर तक सड़क बनाने का मंसूबा भी खत्म। नेपको नादहिंदगान से रिकवरी 176 मिलियन से तजावज कर गई। कैरोड पक्का में रिकवरी के लिए फौज और रेंजर्स तलब।
आला हुकाम ने नांदहिंदगान का रिकॉर्ड मांग लिया। 17,60,00,000 रुपए रिकवरी के लिए टीमें तश्कील। मैसी में नौसरबाज पुलिस के शिकंजे में मुलजिम सोलर प्लेटें लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। हर रजिस्ट्रेशन पर 200 रुपए वसूल किए जा रहे थे। खातून समेत 5 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कार्रवाई का आगाज। मुल्तान थाना सिटी जलालपुर के हुदूद में ज्वेलरी की दुकान पर वारदात, मुलजिम गिरफ्तार। 50 तोले सोना और 360 तोले चांदी बरामद। एसपी सदर सर्कल शमसुद्दीन का कहना है मुलजिमों से 100% रिकवरी की गई है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में तजावजात माफिया बेलकाम, सड़कों पर कब्जा, शाहराहें राहगीरों पर तंग। पुराना शुजाबाद रोड पर ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल। इंतजामिया रेडीबानों को नकेल डालने में नाकाम, शहरी फट पड़े। इंतजामिया तजावजात माफिया के सामने घुटने टेकने पर मजबूर। बहावलपुर, डीजी खान, मियांवाली समेत दीगर शहरों में तजावजात की भरमार। गलियों के शक्ल इख्तियार कर गए कुशादा बाजार। सड़कें तंग होने से हादसात भी मामूल। मरीजों का अस्पताल में दाखिल होना मुश्किल है। शहरियों ने इस्लाह अहवाल की अपील कर दी। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुल्तान समी शेख की रोही से गुफ्तगू। बोले तजावजात के जुमरे में आने वाला सामान जब्त किया जा रहा है, कानून हाथ में लेने पर मुकदमा दर्ज होंगे। गल्ला मंडी बहावलपुर तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल, आरती परेशान। गल्ला मंडी के बेशतर मैन होल्स के ढक्कन भी गायब। अब तक सूरत हाल पर अंजुमन आरतियान सरापा एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर को खत लिख दिया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर डाल दी। जलालपुर पीरवाला दारादिन पनाह में सीवेज लाइन बंद। गंदा पानी घरों में दाखिल, पानी मकानों की बुनियादों में पड़ने लगा। मेन रोड भी गंदे पानी में डूब गया। तापुन में सांस लेना भी महाल। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। फंड की कमी के बायस मसाइल का सामना है, इंतजामिया का मौकिफ। म्युनिसिपल कमेटी लैया के पेंशनर्स को 6 माह से अदायगी ना हो सकी। पेंशनर्स का रकम ना मिलने पर म्युनिसिपल कमेटी में धरना। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। मुजाहरीन का कहना था अजियत का शिकार हैं, बिजली के मीटर कट गए, घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। एलपीजी सारफीन पर एक और बोझ डाल दिया गया। डीजी खान में घरेलू सिलेंडर 100 रुपए महंगा। दुकानदारों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट के खराजात बढ़ने से कीमत बढ़ी, ट्रांसपोर्ट मामूल पर आने से कीमत कम हो जाएगी। महंगाई ने जायके की दुनिया को भी बदजायका कर दिया। मसालेदार लजीज हंडिया पकाना भी बस में ना रहा। अदरक 700, लहसुन 500 और टमाटर 160 रुपए किलो। अंगूर 500, जामुन 330, अनार और सेब 300 रुपए किलो। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। अर्जा नरखों पर अशिया की फराहमी सिर्फ ऐलानात तक महदूद। रहीम याफान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, घी नायाब। ओपन मार्केट का रुख करने वाले शहरी लूटने लगे। आईपीपीस का मामला जू का तू है। सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स मुल्तान मियां राशिद इकबाल की रोही से खसूसी गुफ्तगू। कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही, बेरोजगारी बढ़ेगी, मुल्क किसी एहतजाज का मुतहमल नहीं हो सकता। सारिफ को कंज्यूमर कोर्ट बहावा नगर से इंसाफ मिल गया। किसान की दरख्वास्त पर जाली खाद केस का फैसला।
किसान को 31,24,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। महकमे ज़राअत ने खाद को नाकिस करार दिया था। सूबाई वज़ीर आबपाशी काजिम अली पीरजादा का दौरा, सैलाब से मुतासर होने वाले राजनपुर के इलाकों में गए। मेंबर सूबाई असेंबली अब्दुल अजीज दरेशक भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर की ब्रीफिंग, सूबाई वजीर का कहना था सैलाब मुतासिन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। डीसी विहाड़ी बेहतरीन टीबी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। सैयद आसिफ हुसैन शाह का देही मरकज सेहत गढ़ा मोड़ का दौरा, फराहम करदा टीबी सहूलियात, सफाई और रिकॉर्ड चेक किया। मरीजों और लवाहिकीन की तरफ से इजहार इत्मीनान। मियांवाली की खूबसूरती और सफाई बारे एहसन इकदाम, डिप्टी कमिश्नर ने जीरो वेस्ट स्पॉट तश्कील दे दिया। सैनिटरी वर्कर सफाई को यकीनी बनाएंगे, रोजाना 2 यूनियन काउंसिल्स में सफाई का काम मुकम्मल किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद यूसुफ चीना की जेर सदारत इजलास, चीफ सेक्रेटरी के इनिशिएटिव पर अमल दरामद के हवाले से हिदायत, फराहम करदा सहूलियात को आम आदमी तक पहुंचाने के अहकाम। मुजफ्फरगढ़ को सरसब्ज बनाने की मुहिम में तेजी, 1,00,000 से जायद पौधे लगाने के हवाले से काम शुरू। रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में तलबा ने पौधे लगाए, एमपी अजमल खान, एडीसी फाइनेंस अनम हफीज की शिरकत। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इकदाम, मुल्तान में असासा की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला, ट्रेनिंग लेना तमाम असासा के लिए लाजमी करार दे दिया गया। महकमे तालीम की तरफ से हिदायत जारी। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस अहलकारों की हौसला अफजाई, सीपीओ मुल्तान ने जलालपुर पीरवाला में तारीफी इसनाद तकसीम की। पुलिस ने कलील मुद्दत में 1.5 करोड़ रुपए चोरी करने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार किया। सोशल वेलफेयर बैतुल माल में बड़ी तायनाती, उम्मे फरवा हमदानी ने बतौर डिविजनल डायरेक्टर चार्ज संभाल लिया। डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल अजीज खान, असिस्टेंट डायरेक्टर नंदलाल की मुबारकबाद।